लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, और वो भी तब जबकि छोटा धमाका हुआ हो, बड़ी साजिश नजर आ रही हो और जो लेटर मिला हो उस पर यह लिखा नजर आए कि यह तो ट्रेलर था, कितना ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है अब? बिल्कुल समीर जी, आपने ठीक कहा, हमारे को चौकन्ना रहने की जरूरत है। और खासकर देखिए कि कौन से नेटवर्क ने किया है, कौन से कैप्सूल ने किया है, उनके काम करने का तरीका क्या था, किस प्रकार से उन्होंने ये एक्सप्लोजिव को यूज किया है और कहां से लिया है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है इस बात का कि भारत की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो जल्दी ही ये पता लगा सकेंगी कि कौन से ग्रुप ने किया है और किससे करवाया है और इसके पीछे के जो तार है वो कहां जुड़ते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अलर्ट रहना है, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि इसके जो तार हैं वो इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ जुड़े हों, और लेकिन उसका भारत की जमीन को इस्तेमाल करना, भारत के उस दिन को इस्तेमाल करना, और उस दिन को इस्तेमाल करना जो इंडिया और इसराइल की टाइज की एनिवर्सरीज है, ये बड़ी बात है, क्योंकि मैसेजिंग इसमें बड़ी है। चाहे ये ब्लास्ट छोटा था, चाहे एक्सप्लोजिव क्रूड था, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको खंगाल कर और बहुत डिटेल से इस चीज को पता करें कि किसने करवाया है, किसके थ्रू करवाया है और क्या उनका नेटवर्क हमारे इस जमीन पर है। ठीक है, और इस बीच एक अहम खबर हमारे पास आ रही है, जांच के लिए इसराइल की जांच टीम दिल्ली आएगी। ये भी एक अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसराइली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की जांच के लिए इसराइल की जांच टीम दिल्ली आएगी। इसराइली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की वो भी जांच करेगी। इससे इस क्या पता चल रहा है मनीष, क्योंकि अभी तक यह जानकारी तो आई रही थी कि मोसाद जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और उससे भी राय ली जा रही थी, मदद ली जा रही थी, वो अपनी तरफ से इनपुट्स दे रही थी, लेकिन अब इसराइल की जांच टीम यहां आ रही है दिल्ली। देखिए समीर, इसको आप एक आपसी तालमेल भी समझ सकते हैं। एक तरफ जहां दोनों देशों के नेतृत्व के बीच में, लीडरशिप के बीच में तालमेल है, वहीं दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच में तालमेल था। मोसाद लगातार रॉ और आईबी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, वहीं अब इजराइल की भी जो टेरर मामले की जांच एजेंसी है, जिस तरह हमारे यहाँ एनआईए है, उस तरह से जो इजराइल की जांच एजेंसी है उसके भी कुछ अधिकारी अभी दिल्ली आने वाले हैं ताकि वो भी इस मामले में अपना जांच कर सके। और निश्चित तौर पर चूंकि मामला इजराइल एम्बेसी से जुड़ा हुआ है, इजराइल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो वो भी अगर इसमें कुछ इनपुट भी दे सके भारतीय एजेंसियों को, तो इसके लिए भी वो लोग आ रहे हैं। और एक दूसरी स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि घटना उनसे संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी किया था, और भारत और इजराइल के बीच जो अभी हमारा बेहतर तालमेल है उसकी वजह से भारत सरकार ने भी इसके लिए हामी भर दी थी। तो अब इजरायली जांच एजेंसी भी दिल्ली आकर दिल्ली में जो जांच कर रही है, ठीक है, इजरायली जांच एजेंसी भी अपना योगदान करे, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी बस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, धमाके के पीछे किसका दिमाग था, कौन से लोग थे, कौन सा आतंकी संगठन था, इन बातों की जानकारी जल्द से जल्द पता लगाना इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इस बड़ी खबर पर लगातार TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर